हेलो भारतीय जनता। तो एक और नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज डेट है 11th of June और रात को हम रुके थे एक बौद्धिस्ट फैमिली के घर में जो कि लोसर में घर है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लोसर जो है स्पीति का सबसे ठंडा गांव है और यहाँ पे लोग विंटर्स में कैसे रहते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग ने अपना टेंट लगाया था, ये मेरा बैग पड़ा है, आकाश फ्रेश होने गया है, ये भैया ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। और सर्दियों में क्या लोग नीचे आ जाते हैं, सर्दियों में लोग नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर रहते हैं। अभी लोग ऊपर शिफ्ट हुए हैं, सर्दियों में सब लोग यही रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, देखिए ये अपनी गाय बैल बकरियों को भी अपने पास में रखते हैं नीचे, क्योंकि -27 -30 डिग्री के अंदर अभी तो बकरियां और गाय निकाली हुई है क्योंकि सुबह हो गई है, चराने गई होगी, ये गोबर वगैरह पड़ा है। तो कुछ ऐसे रहते हैं यहाँ पे। और अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही है तो स्पीति के लोग, ये ऊपर वाला घर है, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ रहते हैं। ये इनका बेडरूम वॉशरूम जो भी है सब यहीं पे रहते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ इनका घर कैसा है। ये गेट है, तो ये गेट है और इसके अंदर चलता है, देखिए कितना अंदर जाके ये रहता है तब कहीं सर्दी से बच पाते हैं। ये एक पहली गली, ये इसके अंदर गए, यहाँ पे गाय वगैरह रहेगी। ये अंदर आए आप, ये एक और गेट, यहाँ पे कुछ गर्म होने का सामान जिससे बॉडी गर्म रह सके। और ये एक कमरा है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं सर्दियों में। तो जो भी राशन का सामान होता है 5-6 महीने का स्टोर करके रखते हैं। और मतलब कनेक्शन कट जाता है काफ़ी, मतलब शहरों से गांव से, तो यहीं रहना पड़ता है, अनाज वगैरह बाहर से ला नहीं सकते तो सामान स्टोर करके रखना पड़ता है। दैट्स इट गाइस। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ और इन बौद्धिस्ट फैमिली से आपसे मिलाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, बैग मेरा पैक है और टेंट वगैरह सब कुछ डाल दिया, स्लीपिंग बैग, तो बाहर चलते हैं और आपको फैमिली से मिलाते हैं अभी। और इन भाई साहब का ये खेत भी है जहाँ पे ये मटर और आलू की खेती करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये खेत है इनका, बस इतना सा ये और एक उस साइड में थोड़ा सा, वहाँ पे कोई एक मंदिर बना हुआ है। ये घर है इनका जहाँ पे रहते हैं सर्दियों में नीचे, जैसा कि मैंने बताया गर्मियों में ऊपर। बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय चुटकी, टाटा। आपका नाम बताओ वापस एक बार, मैं भूल गया। फुनचोक डोलकर। अभी चलते हैं रोड पे, हिचाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से आता रहता है, एक नाला है और नीचे और नाला है और वो नदी से तो जा ही रहा है। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है, हिमालयाज हिमालयाज, ये जर्नी हमेशा याद रहेगी। तो अभी चलते हैं रोड पर और हिचाइक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मनाली की जो गाड़ियाँ हैं वो सुबह सुबह जल्दी जाती हैं, भैया ने ऐसा बताया था हमें। तो टाइम पर चलते हैं वरना, क्योंकि 126 किलोमीटर है मनाली यहाँ से, लेकिन पहाड़ों में आप डबल मानो डिस्टेंस, तो आप जितना जल्दी निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये है रिदांग होम स्टे, बोर्ड मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा घर बना हुआ है और साइड में होम स्टे है। और वो जा रही है स्पीति नदी। अभी रोड पे आ गया, तो अभी सड़क पे वापस आ गए हैं हम लोग और हिचाइकिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ये गाड़ी आ रही है, देखते हैं लिफ्ट मिलती है या नहीं। और ये है लोसर विलेज, ये है लोसर विलेज, वहाँ हम गए नहीं क्योंकि एक नाला पार करना पड़ता है, इसलिए हम रात को वहाँ जाके रुके, देखते हैं गाड़ी रुकती है या नहीं। ऐसे रिजेक्शंस मिलते रहते हैं जब गाड़ी आपकी खाली हो फिर भी आप लिफ्ट नहीं देते, कोई बात नहीं और आएंगी। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं लोसर की तरफ, लोसर से जो ज़्यादातर लोग जो मनाली जाते हैं वो रात को लोसर में रुकते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेगी, तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से हिचाई की स्टार्ट करेंगे। बाकी कोई गाड़ी आएगी तो बोर्ड दिखा दूंगा मैं, लेट सी कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तो मैंने अपना बैग यहाँ फेंक दिया है और हिचाइकिंग स्टार्ट करती है वापस, एक गाड़ी आ रही है, वो वहाँ से गाड़ी दिखती है ना गाइस, तो यहाँ आने में उसको 2 मिनट लगता है, तो हम आराम से खड़े रहते हैं, बस जैसे ही वहाँ पर गाड़ी आती है बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। गाड़ी थी, उसने भी लिफ्ट नहीं, जो गाड़ी आ रही है वो स्कॉर्पियो है,
वैसे गाड़ी तो खाली है, लिफ्ट मिलनी चाहिए। रोकी रोकी रोकी, जा जा जा, कम है कहाँ ऊपर तक, मार्केट तक, मार्केट हाँ ठीक है, थैंक यू अंकल। डिक्की खोल दो, मैं सामान रख देता हूँ अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मनाली जाते हैं वो ज्यादातर गाड़ी लोसर में रुकती है रात को। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहा हूँ अंकल। हाँ जी, तो वहाँ से लिफ्ट मिलने के ज्यादा चांसेस है। हाँ जी, तो लोसर तक हमें अंकल जी छोड़ देंगे और उसके बाद गाड़ी गाड़िया है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, वहां से हमें लिफ्ट मिल ही जाएगी मनाली के लिए। हाँ जी, कौन सी गाड़ी है ये अंकल? इग्निस। अंकल ने हमें यहाँ लोसर मार्केट तक ऊपर छोड़ दिया है, जिससे हमें यहाँ पे लिफ्ट इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ से हिचाइक स्टार्ट करते हैं, और जो लोग मनाली जाते हैं वो लोसर में ज़्यादातर लोसर में रुकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ से गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा जाएंगी। एक और गाड़ी आई है, लिफ्ट मांगता हूँ मैं इनसे। रिजेक्शन, सीट खाली है पीछे की, फिर भी रिजेक्शन। कोई बात नहीं, हमें कोई ना कोई तो दे ही देगा। बाकी यहाँ पे और भी होटल वगैरह बन रही है। हंस हंस के जा रहे हैं लेकिन लिफ्ट नहीं देंगे। ही का क्या कर रहे हम। कोई बात नहीं, हमें लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन लोगों की चेहरों पे हंसी आ रही है। कोई बात नहीं यार, हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है वही बहुत है। ट्रैक्टर वाले, तो अभी ट्रैक्टर वाले भाई ने हमें लोसर से 1 किलोमीटर बाहर छोड़ दिया है। उससे क्या होगा कि लोसर से बाहर आते ही गाड़ी अच्छी मिलेगी, जैसे कि एक आ रही है। ये हमें लिफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, टूरिस्ट गाड़ी को भी दिखा देते हैं हम, तो अब बेशरम हो गए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि बस वाले भी हमें लिफ्ट दे चुके हैं, प्राइवेट बसेस एंड टूरिस्ट, तो हम उनको भी दिखा देते हैं, क्योंकि अच्छे लोग यार हर जगह होते हैं। खुद की गाड़ी लोसर से आगे से आप जाते हो मनाली की साइड में, तो यहाँ एक एंट्री होती है, भैया बैठे हैं आगे शायद, रास्ता मेरे ख्याल से ख़राब वगैरह होगा, तो एंट्री कर रहे हैं कि गाड़ियाँ कौन कौन गई, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकली है और कितनी गाड़ियाँ नहीं आगे पहुँची है, तो उसके लिए सेफ्टी रीजंस के लिए यहाँ पे एंट्री वगैरह होती है।